डायरेक्टर नितेश तिवारी जी काफी लंबे समय से एक बहुत बड़ी एपिक ड्रामा फिल्म पर काम कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे महाकाव्य रामायण के बारे में। ये फिल्म काफी लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई है। अभी कुछ दिन पहले खबरें आ रही थी कि ऋतिक रोशन ने फिल्म में रावण का किरदार निभाने से मना कर दिया था, लेकिन ये महज अफवाह थी, क्योंकि फिल्म में रावण का रोल ऋतिक रोशन से बेहतर कोई नहीं निभा सकता है। वही फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं फिल्म को लेकर। फैंस चाहते हैं कि जल्द से जल्द फिल्म की कोई अनाउंसमेंट की जाए। वही फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं इस फिल्म पर काफी लंबे समय से काम कर रहा हूँ और मैं इस फिल्म को ऐसे लेवल पर बनाना चाहता हूँ जो आज तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। साथ ही नितेश तिवारी जी इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर में से एक है, जिन्होंने हमें दंगल और छिछोरे जैसे रियल लाइफ से जुड़ी बेहतरीन फिल्में दी है। वही बात करें फिल्म की बाकी की स्टार कास्ट की, तो भगवान श्री राम का रोल रणबीर कपूर निभाने वाले है और सीता माँ का रोल दीपिका पादुकोण निभाती नजर आने वाली है। इसी के साथ खबरें निकल कर आ रही है कि फिल्म में रॉकिंग स्टार यश यानी रॉकी भाई नजर आने वाले हैं, जिनके किरदार को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। साथ ही फिल्म में हमें बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के और भी कई बड़े बड़े कलाकार नजर आने वाले हैं। बात करें फिल्म के बजट की, तो ये इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी बजट वाली फिल्म होने वाली है, जिसका बजट 750 करोड़ बताया जा रहा है। तो दोस्तों, आप सभी ऋतिक रोशन, यश और रणबीर कपूर इन सभी मेगा स्टार्स को एक साथ रामायण में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मजेदार अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।